कोई भी बीमारी, कोई भी डिसीज के उपचार में ये चौथा चरण है, दिस इज फोर्थ स्टेप। नाउ ध्यान से देखें अगर हम, तो हर विचार से ही हम व्यवहार को जन्म देते हैं। हमारा सारे व्यवहार विचार की ही उपज है। अब अगले, लेट्स से आई स्पीक फॉर अबाउट 7 to 10 मिनट्स, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स निकलेंगे, आप नोट कर सकते हो। हमारा व्यवहार एक प्रतिध्वनि क्रिएट करता है, एक रेजोनेंस क्रिएट करता है। पूरी ह्यूमन जाति, पूरी मानव जाति इस रेजोनेंस के ऊपर चलती है, क्योंकि आपका हर व्यवहार एक रेजोनेंस क्रिएट करता है। यानी मैं जैसा विचार और व्यवहार प्रकृति में लोगों पे दिखाऊंगा, वैसा ही विचार और व्यवहार मुझे वापस आने को मिलेगा। इसका एक बहुत सुंदर प्रयोग हुआ। कुछ कुछ लोगों ने, कुछ साधकों ने, मेडिटेटर्स ने एक कैफे का निर्माण किया। इसका नाम पड़ा सेवा कैफे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कहीं अहमदाबाद में है शायद, सेवा कैफे। इसी चीज को टेस्ट करने के लिए उन्होंने सेवा कैफे की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम किसी भी व्यक्ति जो कैफे में आता है, मेन्यू देखेगा, खाना खाएगा, हम उसको बिल नहीं देंगे, हम ये उस पे छोड़ देंगे। हमारी तरफ से ये सेवा भाव का व्यवहार है, हमारी तरफ से ये सेवा भाव का व्यवहार है। देखते हैं क्या प्रतिध्वनि आएगी वापस। बहरहाल कैफे शुरू हुआ, कैफे का मेन्यू बना। मेन्यू में आमतौर पे हम हमेशा पहले राइट साइड पढ़ते हैं कि कौन सी चीज कितने की है, बट इस मेन्यू में राइट साइड वॉज ब्लैक। किसी भी डिश पे कोई रेट नहीं लिखा हुआ। आप ऑर्डर करते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद कोई बिल नहीं दिया जाता आपको, सिर्फ एक नोट आता है लिखा हुआ आपके पास, एक पर्ची आती है आपके पास लिखी हुई, आप जो मर्जी देना चाहें, आपके बाद जो आएगा खाना खाने उसके लिए, अपने लिए मत दें, आपके बाद जो खाना खाने आएगा उसके लिए अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो दे दीजिए, अदरवाइज ये हमारी तरफ से सेवा भाव का व्यवहार है। जब उन्होंने इस कैफे की शुरुआत की और इसका प्लान बन रहा था, सभी लोगों ने कहा ये भारत है, लोग लूट के खा जाएंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, सारा पैसा डूब जाएगा। ये लोगों की धारणा भारत के प्रति अनफॉर्चुनेटली बनी हुई थी या है। एनीवेज, कैफे शुरू हुआ, आज तक चल रहा है। डे वन से ये कैफे, सेवा कैफे प्रॉफिटेबल है। डे वन से आम तौर पर अगर एक डिश की वैल्यू बिल की आती 700 रुपए, तो उन्होंने नोटिस किया ऑन एवरेज लोग 700 की बजाय 900 रुपए देके जा रहे हैं। यानी आप जितना खा रहे हैं उससे ज्यादा देके जा रहे हैं, बिना बताए, बिना बोले, बिना कोई बिल दिए। अद्भुत उदाहरण है ये कि व्यवहार की प्रतिध्वनि कैसे होती है, व्यवहार की प्रतिध्वनि कैसे होती है। अब मजे की बात है कि ये व्यवहार की प्रतिध्वनि सिर्फ बाहर के लोग नहीं कर रहे हैं, इस व्यवहार की प्रतिध्वनि भीतर से आपके सेलुलर स्ट्रक्चर भी प्रतिध्वनि कर रहे हैं, आपके विचार का, आपके व्यवहार का। तो ऐसा माने मैं बीच में खड़ा हूं, मेरे राइट हैंड साइड पे सारा विश्व, लोग, पूरी प्रकृति, और मेरे लेफ्ट साइड पे मेरा खुद का शरीर, मेरे इंटरनल ऑर्गन्स, मेरा ब्लड फ्लो, मेरी ऑक्सीजन फ्लो, मेरा सेलुलर स्ट्रक्चर। जब मैं बीच में खड़ा, मैं जैसा व्यवहार करूंगा बाहर का जगत वैसी ही प्रतिध्वनि देगा, सेवा कैफे एग्जाम। मैं जैसा व्यवहार करूंगा मेरे भीतर का शरीर, इंटरनल सेलुलर स्ट्रक्चर, इंटरनल ऑर्गन्स भी वैसी ही प्रतिध्वनि देंगे, वैसी ही रेजोनेंस देंगे। इट इज वर्किंग बोथ साइड। बीच में आपका व्यवहार, आपका, आपके भीतर भी एक प्रतिध्वनि उत्पन्न हो रही है, आपके बाहर का संसार भी एक प्रतिध्वनि उत्पन्न कर रही है। अब इसके कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स, मैं थोड़ा संक्षेप में कर रहा हूं ये बात। कोई भी व्यक्ति जिसका व्यवहार, हाँ ये मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं आप, और इस पे हम डॉक्टर साहब की राय जरूर पूछेंगे, ये मैंने खुद अनुभव किया इसलिए उनकी राय जानना जरूरी होगी आफ्टरवर्ड्स। कोई भी व्यक्ति जिसका व्यवहार बहुत कंजूसी का है, बहुत ही कंजूस है, 2 पैसे नहीं खर्चे जाते, किसी के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया जाता, एक्सट्रीमली माइजर,
इस व्यक्ति को पेट की बीमारी, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी होगी ही होगी, ये जितना मर्जी दवा खा ले, क्योंकि इसके व्यवहार की जो प्रतिध्वनि इसका शरीर दे रहा है, इसकी प्रवृत्ति है कंजूस, मतलब सब रोक के रखो, तो उसकी इंटेस्टाइन्स भी, उसका गट भी सब रोक के रख रहा है, वो मल को भी त्याग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मैंने बोला व्यवहार की अंतर्ध्वनि सिर्फ बाहर का जगत आपको कंजूस नहीं बोल रहा, आपके इंटेस्टाइन्स भी आपको कंजूस मान रहे हैं और कंजूसी की तरह बिहेव करने लग रहे हैं, आपके व्यवहार से आपकी कॉन्स्टिपेशन बन रही है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल, ये मैं अपने अनुभव से बात कर रहा हूं, जो मैंने देखा हजारों लोगों, जो व्यक्ति भी रिश्तों में अधूरा होगा, प्रेम देने में अधूरा होगा, प्रेम बांटने में अधूरा होगा, हर चीज में अधूरा अधूरा जीता है, रुका रुका जीता है, पूर्णता नहीं जीता, ये व्यक्ति जितना मर्जी स्वादिष्ट नरिष्ट भोजन कर ले, जितना मर्जी सात्विक आहार कर ले, इसका शरीर उस आहार में से पूरा नरिशमेंट खींच नहीं पाएगा, क्योंकि इस व्यक्ति का व्यवहार है किसी भी रिश्ते में, किसी भी जीवन की प्रक्रिया में ये अधूरा जी रहा है, ये किसी भी चीज में फुली इन्वॉल्व नहीं है, ये किसी भी चीज में फुली एंगेज्ड नहीं है, ये हमेशा वीक रहेगा। जैसा हम पुराने जमाने में बोलते थे ना, आज भी बोलते हैं, इतना खाता है इसको लगता नहीं है, इस वजह से नहीं लगता, क्योंकि इसी व्यवहार की प्रतिध्वनि आपका शरीर कर रहा है, योर बॉडी इज नॉट एबल टू टेक फुल न्यूट्रिएंट फ्रॉम योर फूड बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर, कि आप अधूरा जी रहे हैं, अधूरा इन्वॉल्वमेंट है। इसी का तीसरा एग्जाम्पल देता हूं, लेट्स से आप जीवन में ट्रांजेक्शनल जीते हैं, मुझे इससे क्या फायदा हो जाए, मुझे उससे क्या फायदा हो जाए, कोई सम्मान नहीं है किसी के लिए आपके पास, ट्रांजेक्शनल, आप गुरु के पास भी जाते हैं तो आपको लगता है कि पैसे दे रहा हूं सिखाओ मुझे, आप हक से सीखना चाहते हो, आपको लगता है कि आप पैसे से ज्ञान खरीद लोगे, आपको लगता है पैसा देके स्वास्थ्य खरीद लोगे, जब आप किसी उपचार के लिए जाते हो, हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, हमें लगता है कि इतने महंगे डॉक्टर को इतनी ज्यादा महंगी फीस दी, इतनी महंगी दवा खाई, तो मैं तो ठीक होना ही चाहिए, ये मेरा हक है, मैं अपने पैसे से अपना स्वास्थ्य, मैं अपने पैसे से अपनी खुशी खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, यानी मेरी दृष्टि है ट्रांजेक्शनल, लेन देन की दृष्टि है मेरी, मैं भीतर से व्यापारी व्यक्ति हूं। अब इस व्यक्ति के जीवन में डॉक्टर्स के चक्कर कभी खत्म नहीं होंगे, ये ट्रांजेक्शन में ही उलझा रहेगा, इसका उपचार नहीं हो पाएगा, क्योंकि ट्रांजेक्शनल बिहेवियर है इसके व्यवहार में, लेन देन से ही तोल रहा है सारी चीजों को, ये अपने रिश्तों को भी लेन देन से तोल रहा है, इसकी बीमारी ठीक नहीं होगी, इसके डॉक्टर मेडिकल चक्कर लगते ही रहेंगे, ये व्यवहार से निर्धारित हो रहा है। अब एक और सूत्र देता हूं आपका इस बात को खत्म करने से पहले, हमने देखा कि बहुत सारे व्यक्तियों में, बहुत सारे मित्रों में कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर होता है, कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर, इसको हमने संज्ञा दी है TWA, टी से थॉट्स, W से वर्ड्स, A से एक्शंस, अमूमन सभी लोगों के जीवन में कॉन्फ्लिक्ट है, थॉट्स कुछ और आ रहे हैं, वर्ड्स मुंह से कुछ और निकल रहे हैं और एक्शन कुछ और ही निकल रहा है, ये व्यक्ति डिसइंटीग्रेटेड है, इसका बिहेवियर पूरा डिसइंटीग्रेटेड है, ये जो सोच रहा है ये वो कर नहीं पा रहा, ये जो बोल रहा है वचन उस पर टिक नहीं पा रहा, उसके अनुकूल व्यवहार नहीं कर पा रहा, इसके पूरे शरीर में कॉन्फ्लिक्ट है। अब यही वजह है कि कोई डॉक्टर हमें ऐसा बोल देते हैं कि भाई आपको लेट्स से डायबिटीज है, ये तो जीवन भर दवा खानी पड़ेगी। मेरा प्रश्न है क्यों जीवन भर दवा खानी पड़ेगी? आप चाहे 90 साल के हो, अगर आपको शरीर में कोई कट लग जाए, आपके शरीर में इतनी इंटेलिजेंस है कि आपका शरीर उस कट को बिना दवा के हील कर देगा, तो आपकी पेनक्रिया बिना दवा के क्यों हील नहीं हो सकती, क्यों जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी? हाँ,
मगर आपको जीवन भर दवा किसी भी चीज की खानी पड़ेगी अगर आपके बिहेवियर में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपके थॉट वर्ड्स एक्शन में कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो आप किसी चीज पर विश्वास नहीं कर पाओगे, आप विचार की शक्ति को जन्म नहीं दे पाओगे, पॉजिटिव विचार की शक्ति, आप सेवा भाव के व्यवहार को जन्म नहीं दे पाओगे, तो इस जीवन भर दवा खानी पड़ेगी। आपका व्यवहार ही ये निर्धारित कर रहा है, आपका शरीर नहीं निर्धारित कर रहा, क्योंकि शरीर में इंटेलिजेंस है। डॉक्टर पांडे ने हजारों लोगों को 2 दिन में डायबिटीज मुक्त किया है, 2 दिन, क्योंकि आपके शरीर में वो इंटेलिजेंस है, मगर आपको व्यवहार ठीक करना होगा, और डॉक्टर पांडे के पास बहुत तरीके हैं आपके विचार और व्यवहार को ठीक कर देने के। इसीलिए 2 दिन में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाते हैं, 2 नहीं तो 4 दिन में होंगे, 4 नहीं तो 7 दिन में तो हो ही जाएंगे। तो जैसे जैसे ये बिहेवियर से कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा, आप उपचार की तरफ बढ़ने लगोगे, अदरवाइज जीवन भर फिर थायराइड ये वो सब की दवा हमें खानी पड़ेगी।